नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मेरठ में सातवीं क्लास के नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की खून से लथपथ बेहोशी की हालत में घर से कुछ दूरी पर जंगल में मिली, जिसके बाद अब परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना इलाके का है, जहां 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ देर रात मोहल्ले के ही कुछ लड़कों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। परिजनों के माने तो वे लोग छत पर सो रहे थे, लड़की किसी काम से नीचे आई, जिसके बाद उसने दरवाजा खोला और मोहल्ले के ही कुछ लड़कों ने उसे अगवा कर लिया, जिसके बाद मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसे जंगल में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। आज सुबह जब लड़की की तलाश की गई तो वह जंगल में मिली, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की ने होश में आने पर बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और मोहल्ले के ही लड़कों ने इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसे मेरठ से वीरपाल सुरानिया की एक खास रिपोर्ट। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, क्या पूरा मामला, किस थाने का मामला है? थाना टीपी नगर में देर रात की यह घटना है। एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि उसकी पुत्री रात्रि में जो है देखा तो घर में नहीं थी, जानकारी करी तो एक पास में रहने वाला एक व्यक्ति उसको लेकर के गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस सूचना को मिलते ही पुलिस ने तुरंत आवश्यक कार्रवाई करते हुए घटना का अभियोग पंजीकृत किया है और तुरंत ही इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए चिकित्सालय भेजा गया है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद तुरंत ही इसमें विश्लेषणात्मक कार्रवाई की जा रही है। विश्लेषणात्मक क्रम में आगे जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्या सर बालिका छात्रा थी क्या? देखिए, इससे अधिक बताना ठीक नहीं है। बालिका जो है वो उसकी आयु लगभग 15 वर्ष बताई गई है और ये जो अभियुक्त है ये उनके पास में ही रहने वाला, निकट में रहने वाला एक व्यक्ति है।